हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर गन्स की टेस्टिंग। दोस्तों बहुत सारी वाटर गन्स आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सबसे पहले ये वाली पिचकारी जो कि है गन पिचकारी है बोलते हैं दोस्तों उसको हम। ये मीडियम साइज़ में आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया ये भी। और नंबर सेकंड पे डोरीमोन वाले वाटर पंप आप देख सकते हो, ये देखिए। फिर नंबर थ्री पे वो वाला, वो जो येलो वाला वाटर पंप है, वो भी सेम है डोरीमोन जैसा है, प्रेशर वाला है। यहाँ पर बड़ी वाली पिचकारी और बैग छोटी वाली बैग वाली पिचकारी है। फिर यहाँ पे छोटे वाली वाटर गन आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे दो हमारे पास बड़ी है जो कि थ्रोर के हथौड़े जैसी एकदम, ये दोनों बड़ी वाली है एकदम। फिर यहाँ पे पबजी टाइप की कुछ गन गन शेप में पिचकारी आप देख सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर यहाँ पे छोटी वाली पिचकारी है जो कि 15 रुपये की हमको मिल जाती है। यहाँ पे 10 रुपये वाली भी अब हमारे पास अवेलेबल है, ये काफ़ी बढ़िया है ये भी। यहाँ पे डायनासोर की कोई पिचकारी आप देख सकते हो, और साथ में हमारे पास ये दो गुलाल के शूटर है जो कि छोटे छोटे पिचकारी एक तरह की, ये भी इसमें से बस पानी की जगह गुलाल निकलता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी दिखाएंगे आपको। फिर ये छोटे वाले 10 रुपये वाली ये भी है। फिर यहाँ पे हमको आपको दिखाते हैं एकदम ये फौजी के टाइप में पिचकारी, इसमें फौजी भी बना हुआ आप देख सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग पिचकारी है ये भी कुछ अलग से ये। फिर ये अमरेला वाली कुछ यूनिक पिचकारी, और लास्ट में हमारे पास है गुलाल के शूटर। दोस्तों ये भी पिचकारी है, बस इसमें भी उसकी जगह पानी की जगह गुलाल निकलेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। तो इन सब की आपको टेस्टिंग दिखाने वाला है उस वाले वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, और लाइक नहीं किया तो कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम छोटी पिचकारी से ट्राई करने वाले हैं, इसको चला के देखते हैं पिचकारी को। ये देखिए ट्रांसपेरेंट पिचकारी एकदम वाइट कलर में है, तो भरते हैं पानी इसमें। तो ये रही पिचकारी, हमने पानी भर लिया इसके अंदर, अब चलाते हैं इसको। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही बेकार पिचकारी है, पानी एकदम ठीक से निकल नहीं रहा है, और ये कुछ ऐसी इस तरीके से है। तो बहुत ही बेकार पिचकारी है, पसंद नहीं आई मेरे को ये। नंबर सेकंड पे हमने लिए गन टाइप पिचकारी है, एकदम बंदूक की शेप में है ये, और ये भी उसके जैसी है दिखने में। चलिए इसमें पानी भरते हैं फिर। तो यहाँ पे इसका ढक्कन है खोलने के लिए, और इसमें भरते हैं पानी फिर। तो हमने इसमें पानी भर लिया है, अब चलाते हैं इसको। भाई सामने चला भाई, ये देखिए ये उससे काफ़ी ज़्यादा सही है, इसमें पानी भी एकदम सही निकल रहा है आप देख सकते हो, और ये आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया पिचकारी है ये। ये कितने की थी भाई? 10 रुपये की। ये हमको 10 रुपये की पड़ी थी सिर्फ, और 10 रुपये के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। चलिए फिर नेक्स्ट पिचकारी ट्राई करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम ट्राई करने वाले हैं इस वाली छोटी वाली पिचकारी को। चलिए पानी भरते हैं फिर इसमें। भाई पानी नहीं आ रहा इसके अंदर। तो इसको हम एक बार चला के देखते हैं, टेस्ट करते हैं। ये आप देख सकते हो, ये देखिए गली में भी पानी जा रहा है वहाँ तक, काफ़ी दूर तक जा रहा है पानी इसका। तो सामने दिखाता हूँ आपको, ये इस प्रकार से पिचकारी है। चलिए फिर नेक्स्ट एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो अब हम ट्राई करने वाली बड़ी वाली गन पिचकारी को, ये गन वाली पिचकारी है। चलिए पानी भरते हैं फिर इसमें। इसका टैंक की साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है, तो पानी कैसे भरूँ भाई। तो हमने इसमें पानी भर लिया है, और पानी को एकदम नीचे इसमें कर देते हैं। वो जा रहा है आप सामने चला के देखते हैं, ये देख सकते हो। बस इसका प्रेशर क्यों नहीं ज़्यादा इतना, वाटर कम हो रहा। ये आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से चल रही है, यानी दीवार तक जा रही है बस, ये उससे आगे नहीं जा रही है, बस कुछ इस प्रकार की है। और चलिए नेक्स्ट को देखते हैं फिर। तो अब हम इस वाली पिचकारी को ट्राई करने वाले हैं, छोटी पिचकारी है 15 रुपये की हमको पड़ी थी है। अब इसको ट्राई करके देखते हैं, इसमें ऐसे पानी भरते हैं हम, और सामने से ला के देखते हैं। तो पिचकारी का दिख रही है ना, अब इसको देखते हैं कुछ इस प्रकार से इसका प्रेशर बना हुआ है। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं इसको। काफ़ी दूर तक जा रही है चल। तो दोस्तों अब नेक्स्ट टाइम करने वाले डोरीमोन की टेस्टिंग, कि डोरीमोन पिचकारी है यानी वाटर पंप की तरह ही है। अब इसको खोलते हैं, और डोरीमोन के टैंक में हम पानी भरते हैं इसके अंदर, आ जाएगा देखते हैं एक बार। साइज बड़ा है इसका काफ़ी।
तो आप देख सकते हो पानी कितनी दूर तक जा रहा है, एकदम दीवार तक आपको दिख रहा होगा, एकदम बहुत दूर तक जा रहा है पानी। अब इसमें जो ये इसका ये जो नोजल है इसको ऐसे घुमाते हैं, और पानी की जो आप देख सकते हो इसमें पानी पतला हो गया है, ऐसे हो गया है। अब इसको ऐसे घुमाते हैं, अब देखो पानी कम आने लग गया ऐसे। तो कुछ इस प्रकार से पिचकारी है, सामने दिखाओ भाई, ये देखिए काफ़ी दूर तक जा रही है पिचकारी, काफ़ी बढ़िया है। फिर कितने की पड़ी थी हमको भाई? 80 रुपीज़ की पड़ी थी ओनली, ये देख सकते हो। तो पूरी प्लास्टिक की है ये। और चलिए फिर नेक्स्ट ट्राई करते हैं हम। तो अब हम ट्राई करने वाले एक कमांडो वाली पिचकारी है, इसमें कमांडो का पूरा फ्रेम है वो छुपा हुआ है, इसको पानी भरते हैं इसके अंदर और देखते हैं कितना पानी इसमें आता है। तो पूरा भर लिया हमने, अब इसको चला के देखते हैं, एकदम आगे तक चलाएंगे भाई, पीछे आ जाते हैं। और अब देखते हैं सामने चला के देखते हैं, और ये काफ़ी दूर तक गई है, तो इसमें एक बार और खींच के ऐसे करेंगे। देखिए पानी इसमें बचा हुआ है वो निकल रहा है सारा, एक बार और ट्राई करके। ये देखिए काफ़ी दूर तक पानी गया, एकदम पूरी दीवार के एंड तक गया ये, और इसमें और भी पानी है वो भी निकाल देते हैं। काफ़ी बढ़िया पिचकारी है, और हमको कितने की पड़ी थी? 100 रुपीज़ की पड़ी थी गाइस। हम करने वाले ट्राई ये थोर वाला हथौड़ा है, हथौड़े वाली पिचकारी, दोनों सेम ही है, एक को ट्राई करके देखेंगे। और ये कितने की प्राइस नहीं पता भाई इसकी, आपको बताओगे भाई कितने की पड़ी थी? एक ये 180 रुपीज़ की एक पिचकारी है, और इसको देखते ऐसे ही बढ़ेगा ना पानी इसमें। और ये पानी भर चुका है इसके अंदर, अब इसको देखते हैं ट्राई करके। इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आता है, और ये आप देख सकते हो काफ़ी आगे तक जा रही है पिचकारी, और काफ़ी ज़्यादा पानी इसमें आता है। तो चलिए आपने देखा कि कितनी बढ़िया पिचकारी, इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है, और अभी भी बचा हुआ है पानी, वो भी निकल रहा है। 180 रुपये के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। अब नेक्स्ट हम ट्राई करने वाले इंटरेस्टिंग पिचकारी है, ये छाते के टाइप में है कुछ ऐसे, और ये 70 रुपीज़ की है क्या? ये 70 रुपीज़ की हमको पड़ी थी। आप करते हैं ट्राई इसको। तो हमने देखा ये डंडा था वो बाहर निकल गया, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। मुझे पानी भर लिया है, तो उसको भाई चिपकाना पड़ेगा इसको। तो अब देखते हैं एकदम सामने इसका पानी को, और इसका जो प्रेशर है वो काफी पूरा वो। टंकी तक गया, व्हाइट कलर की टंकी है सामने, आप देख सकते हो रूम करके वो रही, उसके ऊपर तक गया हमको आवाज आई है यहाँ पे, और अभी तक इसमें पानी है। कुछ इस प्रकार की थी ये। तो दोस्तों अब हम ट्राई करने वाले इस वाटर पंप को, एकदम डोरेमोन के जैसी पिचकारी जैसे एकदम, तो इसमें हमको प्रेशर मिलता है, ये आप देख सकते हो। अब इसको पानी भरते हैं इसके अंदर, तो पानी भरते हैं इसके अंदर, इसके अंदर फिट नहीं हो रहा भाई, अब भी भर रहा है पानी। इतना काफ़ी है पानी ब्रो, इतना पानी काफ़ी है। तो दोस्तों इसकी खास बात यह है, हम इससे बलून भी फुला सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया पिचकारी है ये। तो दोस्तों ये हमको 108 रुपये में पड़ी है, और ये देख सकते हो इसका प्रेशर है, तो मैं भी प्रेशर करते हैं इसमें। तो पहले आपको बिना प्रेशर के चला के दिखाता हूँ सामने, और ये बिना प्रेशर के कुछ ऐसे है, ये देख सकते हो आप। अब देखो आपको प्रेशर करके दिखाता हूँ पूरा एकदम टाइट। तो इतना काफ़ी है, अब दिखाता हूँ वो पानी यहाँ तक गया है, वो निशान देख सकते हो आप, देखो कहाँ तक जा रहा है, एकदम आगे तक जा रहा है प्रेशर के साथ। और इससे भी हम तेज़ प्रेशर कर सकते हैं, और ये नोज़ल आप देख सकते हो, नोज़ल से ये जो पानी की धार होती है वो पतली और वो ऐसे कुछ फवारे की तरह हो जाती है। तो अभी तो ऐसे ही आपको दिखाता हूँ, फवारे की तरह करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए आप। तो इससे आप प्लांट को पानी भी दे सकते हो, काफ़ी अच्छी है ये पिचकारी, 108 रुपये की है ये।
तो चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। तो अब हम ट्राई करने वाले गुलाल शूटर को, ये भी पिचकारी है लेकिन इसमें पानी नहीं, इस पानी की जगह गुलाल निकलेगा इसमें, तो गुलाल भी थोड़ा सा बचा हुआ है यार इसमें। चलिए इस गुलाल को उड़ाते हैं हम पिचकारी की मदद से। आपको दिखाता हूँ कैसी है, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी क्योंकि यहाँ पे मिलती नहीं है हमारे गाँव में, दिखाता हूँ आपको। और ये कुछ इस प्रकार से इसमें गुलाल निकलता है। यहाँ पे गुलाल गुलाल हो गया है, तो काफी बढ़िया पिचकारी है गुलाल शूटर। ये मेरे को पड़ी थी 150 रुपीस की। तो दोस्तों हम लास्ट में हम ट्राई करते हैं दोनों टैंक को, सबसे पहले छोटे वाले को ट्राई करेंगे, ग्रीन वाले को, और ये शूटर भी रह गए गुलाल वाले, उनको ट्राई करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने आपको बड़े वाला गुलाल शूटर दिखा दिया, वैसे ही है छोटे वाले भी। तो छोटे वाले टैंक को ट्राई करके देखते हैं। तो दोस्तों अब इसको खोलना पड़ा क्योंकि वो खुल वहाँ से खुल गया था थोड़ा बहुत, अब कुछ इस प्रकार से ये चल रहा है। भाई इसमें पानी ऐसे निकलता है क्या? हाँ भाई, यानी इसमें पतली वाली धारें निकलती है, इसमें कुछ ऐसे निकलता है फवाने की टाइप में। और ये हमको पड़ी 60 रुपीज़ की पड़ी थी ना, ये 60 रुपीज़ की पड़ी थी ये हमको। और आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार पानी आ रहा है, बच्चों के लिए काफ़ी ठीक है खेलने के लिए। और आप देख सकते हो बस ऐसे ही है कुछ। तो चलिए नेक्स्ट बड़े वाले वाटर टैंक को ट्राई करके देखते हैं, इसको हम जोड़ देंगे अब। तो अब हम ट्राई करने वाले बड़े वाले वाटर टैंक को। और ये तो मेरे ख्याल से एकदम सही है, इसमें कोई टूटने वूटने की बात नहीं है। तो चलिए इसको हम इस पिचकारी की मदद से भरते हैं। तो यहाँ पे इस वाली पिचकारी में पानी भरा है, उसके अंदर हम डाल देंगे एक बार और। भाई ओ भाई साहब भाई क्या कर रहा है भाई, भाई डालने आया यार। इतना काफी है मेरे ख्याल से, आधा भर गया। ये कितने लीटर का होगा तेरे हिसाब से? डेढ़ लीटर, ये 1.5 लीटर का टैंक हो सकता है, और छोटे वाला आधा लीटर का। इसको टांगेंगे हम ऐसे नहीं, ऐसे ही कर देंगे बस, टांगने की जरूरत नहीं है। और ये काफ़ी सही पिचकारी है, ये काफ़ी दूर तक जा रही है, आप देख सकते हो। ये टैंक भी आप देख सकते हो, और ये देख सकते हो आप। हमको कितने की रुपीज़ की पड़ी थी? 160। ये 160 की पड़ी थी हमको। और ये देख सकते हो पानी कितनी दूर तक जा रहा है इसमें। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है और चीप आइटम भी है ये काफ़ी। तो आप, मैंने आपको इतनी सारी पिचकारी की टेस्टिंग दिखा दी है, सबकी टेस्टिंग हो गई। गुलाल छूट गई, छोटे वाले की टेस्टिंग करेंगे नहीं क्योंकि बड़े वाले सेम टू सेम वैसा ही है। तो आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।